दोस्तों फेस्टिवल आ जाते हो, लोग अपने फोटोज़ यहाँ वहाँ शेयर करते रहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अभी मैं जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो है स्टेटस मैंने रख दिया है, अपना फ़ोटो रख दिया है या कोई क्लिप रख दी है, ठीक है, और वो जो है स्टेटस, जैसे मेरा स्टेटस है कोई और ना देख पाए, या फिर मेरा एक दूसरे का स्टेटस मैं देख लूँ और उसको पता भी ना चले कि मैंने स्टेटस देख लिया है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। एक नहीं दो बार देख लेना इस वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा कि कोई और किसी और का स्टेटस रखा है किसी ने, ठीक है, अपने मोबाइल पे, और आप उसका स्टेटस देख भी लो और उसको पता भी ना चले, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो टिल द एंड देखना पड़ेगा। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल है ही। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों मेरे पास दो व्हाट्सएप है, ठीक है। एक व्हाट्सएप इसमें नॉर्मल वाला है और दूसरा जो व्हाट्सएप है वो GB व्हाट्सएप है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखेंगे। स्टेटस में क्या करेंगे कि कुछ भी रख देंगे। चलो मैं गुड नाइट कर देता हूँ, गुड नाइट वाला मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। अभी इस मैसेज को मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अभी हम दूसरे नंबर के ऊपर चलेंगे और दूसरे नंबर के ऊपर जाने के बाद स्टेटस में देखता हूँ मैं कि किन किन का मैसेज आया, मेरे दूसरे नंबर पर का मैसेज आया। तो ये मैंने तसल्ली से अभी रीड कर लिया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस हमारे नॉर्मल वाले व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये मैं अभी देख सकता हूँ कि किनों ने मुझे मेरा मैसेज देखा। तो अभी आप देख सकते हो माई जियो करके दूसरा नंबर है उस पे से, यानी कि मैंने ही खुद देख लिया। अभी हमको क्या करना है कि हमारा कोई व्हाट्सएप मैसेज, जैसे कि ये बंदा जिसने देखा है वो ये चाहता है कि उसका व्हाट्सएप, अगर सामने वाले का मैंने मैसेज रीड किया तो वो पता नहीं चलना चाहिए। तो सिंपली क्या करना होगा फिर से बता देता हूँ मैं। नॉर्मल तीन डॉट के ऊपर जाना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट के ऊपर जाना है, उसके बाद प्राइवेसी में जाना है और यहाँ से रीड रेसिपिएंट्स हटा देना है, ठीक है, डिसेबल कर देना है, सिंपल। अभी हम वापस चलते हैं, ये वाला जो मैसेज है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी डिलीट कर देते हैं। अभी वापस हम इसके ऊपर स्टेटस डाल देते हैं, जो चाहे इमेज हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो वापिस यहाँ पे लिख देते हैं। तो अभी ये मैसेज आ चुका है गुड नाइट वाला, ठीक है। अभी वापिस से उस वाले नंबर पे, यानी कि जो सामने वाला देख रहा है, यानी हम चाह रहे हैं कि सामने वाले को पता नहीं चले, जिसने भी मैसेज रखा है उसका मैसेज हम पढ़ भी ले उसको पता भी ना चले। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो इस वाला मैसेज जो है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये वाला जो मैसेज है हमने पढ़ लिया, एक वाला मैसेज आ गया था, उसके बाद ये दूसरा वाला मैसेज है वो पढ़ लिया है, ठीक है। अभी वापस हम चल के देखते हैं हमारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन डॉट के ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया था कि हमारे इसके ऊपर तीन डॉट के ऊपर जाने के बाद, सेटिंग्स में जाने के बाद, अकाउंट में जाने के बाद, प्राइवेसी में जाने के बाद, ये रेड रिसिपिएंट जो है उसको डिसेबल कर दिया था, ताकि मेरा सामने वाला मैसेज सामने वाले को पता ना चले कि मैंने उसका स्टेटस अच्छे से रीड कर लिया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने चीज़ें बताई है उस हिसाब से आप करोगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने देख ली, जैसे सिंपल सी चीज़ करनी है और उससे ही आप अपना जो स्टेटस है, मतलब दूसरे का स्टेटस आप छुपा सकते हो कि मैंने देख लिया है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसका स्टेटस देख लिया है। सिंपल सी चीज़ है, आप अप्लाई करके देख सकते हो। अगर फिर भी जो भी वीडियो में आपने देखा उस हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका ज़रूर से आंसर देने की कोशिश करूँगा। कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।